120 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के इंग्लिश के रिसोर्स पर्सन शेख नईम हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है ग्लोबल वर्ल्ड में। आज इंग्लिश की वैल्यू काफी बढ़ चुकी है और बच्चों में स्टूडेंट्स में जो फियर होता है इंग्लिश को लेकर वो उन्हें अपने कैरियर में काफी पीछे धकेल देता है। लेकिन आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि 120scoop.com के साथ नईम शेख मौजूद है, शेख नईम मौजूद है और वो हमें कुछ इंग्लिश के गुण सिखाएंगे और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे ताकि उनका फियर कम हो और उसके साथ वो अपने कैरियर में एक ग्लोबल वर्ल्ड में किस तरह से आगे आए फाइट करें। आपका हमारे साथ स्टूडियो में 120 स्कूप के स्वागत है। थैंक यू। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे साथ हैं। आप 120 स्कूप के दर्शकों से पूरा अपना तारुफ करवाइए। एक्चुअली मेरा नाम शेख नईम है, मैं यहाँ के एक उर्दू स्कूल है शमसुल उलूम उर्दू हाई स्कूल, वहाँ पर एज एन असिस्टेंट टीचर इंग्लिश टीचर काम कर रहा हूँ सिंस 7 ईयर्स। और एज अ रिसोर्स पर्सन मैंने तालुका लेवल पर यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्रेनिंग्स होती है जो प्राइमरी टीचर्स है हाई स्कूल टीचर्स है इन लोगों को ट्रेन करने का मुझ पर जो है यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें एज अ रिसोर्स पर्सन नॉट ओनली इन तालुका लेवल बट ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और लास्ट ईयर मैंने पूना के अंदर एक यशदा का हमारे बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, आप जानते हैं कि उस ट्रेनिंग सेंटर में मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन के तौर पर एज ए ट्रेनी काम किया। फिर वहां से आने के बाद मैंने यहाँ पर के जो हाई स्कूल टीचर्स है क्योंकि करिकुलम में जो चेंजेस आ रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट एजुकेशन कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इसको लेकर जो है आज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चाह रही है कि वो टीचिंग हो, तो उसके लिए मैंने एज ए रिसोर्स पर्सन यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। इंग्लिश को लेकर एक फियर सा बना रहता है बच्चों में, तो आप इस डर को कैसे दूर करते हैं या बच्चों ने स्टूडेंट्स ने इंग्लिश का डर अपने मन से निकाल देना चाहिए, इसके लिए आप किस तरह से गाइड करते हैं? देखिए सबसे बेसिक बात तो ये है कि डर जो आप कह रहे हैं बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन से ही आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट। और 10 साल से अभी हम 10th के तो जो स्टैंडर्ड के बच्चे देखते हैं इनको स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है इन्होंने इंग्लिश पढ़ा है। इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दे आर एक्सपर्ट इन इंग्लिश समहाउ, दे हैव लर्न्ड इंग्लिश लैंग्वेज नाउ। अब जब तक जो टीचर्स होते हैं वो अगर एकदम परफेक्ट नहीं है या फिर समझिए कम से कम इंग्लिश का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे स्कूल में अंदर अपने बच्चों को तो उनका डर सवाल ही नहीं है क्योंकि बिकॉज दे डोंट लिसन इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू नो दैट अनलेस एंड अंटिल अ चाइल्ड लिसन्स इंग्लिश लैंग्वेज हाउ कैन यू लर्न एनी लैंग्वेज। व्हाई डू यू स्पीक हिंदी, व्हाई डू यू स्पीक आई इंग्लिश? क्योंकि मैंने आपको पहले एक चीज क्लियर किया है कि गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश इसलिए शुरू किया है और टीचर को स्पेशली ये इंडिकेट किया है, उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि देखिए इंग्लिश शुड बी इंग्लिश क्लास especially whenever I take when I conduct my classes, you know, training classes, I especially focus on this topic and I say to the English teacher that your English class should sound English. Okay. When you are teaching English subject in the classroom and some other terms are coming out of that class, means you are speaking Marathi, you are speaking Urdu, then what does it mean? तो ये होता है कि ये बच्चे यकीनन उनको problems जाते हैं, तो इसके वजह भी यही है उसके बेस में ही है कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है पढ़ाने वाले उनको वो जो लैंग्वेज, अच्छा ग्रामर के मामले में आप ले लीजिए, ग्रामर का ऐसा होता है कि ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाता है। जी हाँ, ग्रामर का हमारे यहाँ बहुत बहुत इंतजाम किया जाता है कि ग्रामर अलग है, अलग है ये, हाँ इसको ऑपरेट अलग अलग तरीके से ऑपरेट करके उसको, ऐसा नहीं है इस तरीके से जब पढ़ा जाता है तो मॉडरेशन आता है दूसरे लैंग्वेज वाले को, जैसे आप कह रहे हैं मॉडरेशन ये आता है कि वो ये समझते हैं कि भाई ग्रामर जो है ये उसको अलग पढ़ना चाहिए, उसके रूल्स याद करना है, टेंसेस याद करना है, चेंज द वॉइस है, ये है वो है, ये आइटम्स उसको इतना वो मॉडरेशन में आ जाता है कि मुझे ग्रामर कब करूंगा मैं ये। देखिए सिंपली अगर उसको स्पीकिंग की आप हैबिट देखिए, एक्यूरेसी मीन्स व्हाट वी कैन से फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट एंड एक्यूरेसी कम्स लास्ट एट द एंड वी कैन से।
पहले वो उसको लेट हिम बी अ फ्लुएंट स्पीकर. जब व्हेनेवर ही विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ही विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज. Especially we are discussing about English, then we have to discuss about English. When you will start speaking in English, definitely that mistakes will be automatically corrected. जी आपने जैसे start English बोलने की बात की, English आप पहले उसको fluency से बोलने दीजिए. तो ये जो दूसरे मीडियम्स से हैं, दूसरे लैंग्वेजेस है, वो fluency उनको अगर बढ़ानी है अपनी, तो क्या क्या आप टिप्स देना चाहेंगे मंटून स्कूप के स्टूडेंट्स को? देखिए, एक तो बेसिकली जो बच्चे जिनको फ्लुएंसी नहीं है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम टू लिसन मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज. देर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी यूज्ड एज अ लिसनिंग टूल्स. व्हाट वी कैन, रेडियो, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर लिसनिंग स्किल. एनी लैंग्वेज, एक बात आपको समझ लीजिए कि कोई भी लैंग्वेज को आपको डेवलप करना है, उसको डेवलप करने के लिए चार स्किलें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फिफ्थ वन इज कम्युनिकेशन. विच आर दिस फोर स्किल्स? फर्स्ट LSRWC, लिसनिंग, स्पीकिंग, LSR रीडिंग, W राइटिंग, एंड देन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि लिसनिंग स्किल को जितना आप डेवलप करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो वर्ड्स, एब्रप्टली दोज वर्ड्स विल कम आउट इन योर माइंड. And they will come out of, they, you will try to speak and they will come on your tongue. What happens when a person tries to speak in English? So he hesitates because he doesn't get words in on his tongue. Yes. So when you will listen those words, if you are listening news, if you are listening some other things, if you are communicating with each other, then the words will come. Then reading is also very much important. You must read novels where the conversation is there. Then automatically fluency comes. Automatically you will, the words will come. And mainly focus, it is my heartily request to the students to make your thinking language English first of all. Yeah. When you will make your language, thinking language English, then you will start thinking in English. Suppose you are asking me in Hindi, okay. अब आप मुझे हिंदी में पूछ रहे हैं तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि हिंदी में जवाब देना है. Okay. अगर आप मुझे इंग्लिश में पूछते हैं तो मैं पहले से तैयार रहता था, क्योंकि आई एम थिंकिंग इन इंग्लिश एंड आई वुड हैव स्टार्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो इन द सेम वे थिंकिंग लैंग्वेज, सपोज यू आर गोइंग इन द मार्केट, मार्केट में आप जा रहे हैं, तो डोंट थिंक इन हिंदी और इन अदर मदर टंग. जस्ट ट्राई टू थिंक यार, दिस मॉल इज वेरी नाइस, देर आर सो मेनी शॉप्स, देर आर सो मेनी स्टॉल्स, दिस इज अ वेरी गुड स्टैच्यू ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, लाइक दैट. Then the automatically construct, the sentence construction will be done there, and in this way you will most thing important thing. कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपको तैरना है तो आपको कूदना पड़ेगा, है ना. कुछ लोग ये करते हैं कि बस पानी के बाहर रहकर तैरने की कोशिश करते हैं, ये possible नहीं है. If you want to speak in English language, if you want to increase your fluency, then you will have to start speaking in English. कोई ना कोई आधा घंटा आप किसी के साथ कम्युनिकेट करिए. टेलीफोन पर आजकल फ्री कॉल्स आजकल बहुत सस्ता हो गया है. दो मिनट किसी दोस्त से इंग्लिश में बात कर लीजिए. दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स. गवर्नमेंट के अपने स्कीम्स की या इंग्लिश टीचिंग को लेकर एज ए रिसोर्स पर्सन आप काम करते हैं जी. तो क्या स्कीम है गवर्नमेंट की और आप जो टीचर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी जो नया टेंथ के लिए, बिकॉज आई एम टीचिंग टू द टेंथ स्टैंडर्ड और हाई स्कूल पे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इंग्लिश मतलब टेंथ इज द बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल. मैं इसलिए वी आर डिस्कसिंग इन जनरल, इंग्लिश इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यू नो करिकुलम जो है CBSE के स्टूडेंट्स, वाई दे आर सो मच एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, इन राइटिंग एंड अदर थिंग्स, बिकॉज द लैंग्वेज विच इज यूज इन द टेक्स्ट बुक इज वेरी हाई. फर्स्ट लैंग्वेज इज यूज देयर, लिटरेरी लैंग्वेज इज यूज देयर, लिटरेचर का ज्यादा यूज रहा है उसमें. पोएट्स भी आप देखेंगे, पोएट्री भी, सारी पोएट्री जो हम लोग व्हेन वी वेर इन MA इन इंग्लिश, दैट टाइम वी हैड दोस पोएम्स. नाउ दीज पोएम्स कैन बी सीन इन CBSE पैटर्न. जो MA के लेवल के पोएम्स बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने वाले जब पढ़ा रहे हैं, आप सोचिए उनका लिटरेरी कितना अच्छा वो रहेगा, लैंग्वेज उनकी डेवलपमेंट कैसी रहेगी. अब चूंकि स्टेट लेवल का जो सिलेबस है, अभी जो करिकुलम चेंज हुआ है, इसमें जो कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग आई है उसमें उन्होंने फोकस किया है. स्पेशली बताया है कि जो CBSE की और स्टेट बोर्ड की जो दूरियां हैं, वो दूरियों को कम करना चाहते हैं. होना ये होना चाहिए कि बच्चे जो है CBSE के बच्चों के साथ में टफ
क्योंकि आप जानते हैं ऑल इंडिया एग्जाम्स हो गई है सभी, मतलब पूरे इंडिया में और नीट आप देख रहे हैं सारे, क्योंकि बच्चे हाँ, तो इसलिए इसलिए उन्होंने इंग्लिश की जो दूरी है स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको थर्ड लैंग्वेज दी। अभी तक जो है इंग्लिश एज अ थर्ड लैंग्वेज होती है अदर अदर मदर टंग वालों के, जिनकी मराठी उर्दू मदर टंग है, लेकिन अब जो टेक्स्ट बुक भी है वो सीबीएसई के इक्विवेलेंट है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी बनाई है। तो होता यह है कि अब हम टीचर्स को, अब कह रहे थे कि मैं टीचर्स को क्या मैसेज दूं, जी मैं टीचर को ये बोलता हूं और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि टीचर्स ने ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि कितना वो अपने आप को परफेक्ट कर सकता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो किस तरीके से अपने आप को इसके लायक बना सकता है कि क्लास में जब वो जाए तो मैक्सिमम इंग्लिश का यूज करें, बच्चों को कम से कम ये आदत डाले, बच्चे ये बोले कि हमारे टीचर इंग्लिश में बात करते हैं। इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम सिंपल इंस्ट्रक्शंस, जस्ट लाइक अब ये देखिए मैं अदर मीडियम की बात कर रहा हूं, मराठी मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, बच्चों को टीचर्स इंस्ट्रक्शंस भी जो देते हैं वो भी मदर टंग में देते हैं इंग्लिश टीचर्स, अरे इधर आओ खड़े रहो, उधर जाओ बाहर जाओ अंदर आओ, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट, यू शुड से स्टैंड अप कम ऑन जस्ट गो ओपन योर टेक्स्ट बुक ओपन योर नोट किताबें निकालो, व्हाई शुड यू से लाइक दैट, यू शुड से ओपन योर टेक्स्ट बुक टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक दैट टॉपिक इज लाइक दैट, मे यू शुड टीच देम सिंपल इंस्ट्रक्शंस, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर लाइक दैट, तो ये क्या हो जाएगा उनके अंदर का जो फियर है इंग्लिश बोलने का इंग्लिश निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जो है ना ये थर्ड लैंग्वेज सीबीएसई के अलावा जो स्टूडेंट्स है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छे बनेंगे, और बच्चे जिन्होंने भी देखिए ये जो ट्रायंगल है पेरेंट टीचर और स्टूडेंट का, जहां पर पेरेंट्स टीचर सही अगर रहे और स्टूडेंट अगर सही रिस्पॉन्स दे रहा है वो बच्चा सक्सेसफुल होना ही है जी। और ये मैं मैसेज देना चाहूंगा टीचर को कि जो टीचर है ये ट्रायंगल के अंदर पेरेंट भी है अच्छे अगर स्टूडेंट भी है, लेकिन टीचर अगर कहीं कमजोर पड़ रहा है अगर इंग्लिश में तो वो ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द फ्यूचर ऑफ दैट स्टूडेंट, एंड इफ द स्टूडेंट्स फ्यूचर इज डिस्ट्रॉयड देन द होल नेशन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, ये बहुत बड़ी बुरी बात है, तो टीचर्स ने इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी। जैसे आपने बात की सिलेबस कैरिकुलम को लेकर बदल रहा है जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, तो स्टूडेंट्स इसमें परेशान भी है कि उन्हें कहां जाना चाहिए दोनों के बीच में, खासतौर से स्टेट बोर्ड को लेकर जो बातें सामने आती हैं स्टूडेंट्स की कि वो अपने आप को इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, तो क्या ये इंग्लिश की वजह से ऐसा है या उनका करिकुलम कुछ बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का स्टेट के मुकाबले में है? सीबीएसई तो देखिए डेफिनेटली सीबीएसई का जो पैटर्न होता है उनका जो ट्रेन किया जाता है बच्चों को उनका लेवल बिल्कुल हाई है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ये कंसिडर किया जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रूरल एरिया एंड देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन द स्टूडेंट्स, यू नो देर इज अ ग्लास वॉल वी कैन से बिटवीन दीज स्टूडेंट, कैसा है कि एक बच्चे जो है गरीब, अब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आप प्रॉब्लम से डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत सारे टीचर्स डिस्कस करते हैं सर के रूरल एरिया में आप आकर देखिए बच्चे खेतों में काम करते हैं जबरदस्ती से हमको उन्हें उठाकर लाना पड़ता है जी, अभी हमारे पास समय भी नहीं है प्रॉब्लम्स को जी जी डिस्कस करने जी, का जी, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के सामने सोल्यूशन आए, हाँ सोल्यूशन प्रॉब्लम का हम रोमे का पीछे हटाना चाहते हैं, बिल्कुल सही है हमको आगे ही बढ़ना है। मैं देखिए कि ये जो है सीबीएसई यकीनन जो होता है कि थोड़ा सा उसका लेवल हाई है ये, लेकिन स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न बना है अभी जो नया करिकुलम आया है, देखिए पिछले साल भी कोर्सेज चेंजेस हुए, इस साल भी कोर्सेज अभी मैक्सिमम अभी कोर्सेज जूनियर तक चेंज हो गए हैं, और ये बच्चे के जो बेस है फाउंडेशन, कोई भी बच्चा देखिए बाद में डेवलप नहीं होता है उसका जो बच्चे का बेस, और होता है कि सीबीएसई के अंदर बच्चों के बेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है और प्राइमरी टीचर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। And what is wrong with the state level education, you know, primary education is not good because primary teachers, you know, in Jilla Parishad and in other schools in rural area, they are quite busy in other work. Other work means government gives them some other work and they are quite busy despite of all these family, all elections. Yes. Then latrines, even they have the duty to count whether how many latrines are there in the village. यहां तक भी उनको ड्यूटी देती, तो उनका भी एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की भी उसमें कुछ है, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वो टीचर्स जो फुल फाउंडेशन है हमारे देश के, हमारे बच्चों को जो एकदम बुनियाद बना रहे हैं,
उन पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय जब वो बड़ा होता है, जब एकदम मुश्किल होता है, देखिए कोई भी पौधा जब छोटा होता है तो उसको आप अच्छे से ध्यान देंगे तो उसको धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है। एक बार जब बड़ा हो जाता है पौधा झाड़ की शक्ल इख्तियार करता है तो उसको मोड़ना और ये वो बहुत मुश्किल काम है, रेयरली हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये स्टेट बोर्ड का भी जो अपना सिलेबस है और CBSE का भी वो बहुत ज्यादा उसमें अभी गैप नहीं है, बट टीचर्स अगर सही मेहनत करते हैं तो दे कैन कैच देयर बोर्ड। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, मैं आया हूं हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया आपने इंग्लिश को लेकर। हम इंग्लिश को लेकर फिर कभी किसी और मौके पर आपके साथ और बातचीत करेंगे। आपका तब तक के लिए मतलब हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑल्सो थैंकफुल दैट आई हैव गॉट द चांस ऑन वन टू वन स्कूप टू गिव द means to introduce English language, and whether I don't know whether students, how many students have got the simplicity of the language. I hope that the fear of the English will definitely go out. Thank you very much. जी आप देखते रहिए onetoonescoop.com, फिर किसी शख्सियत के साथ आपके एजुकेशन में आपके करियर में गाइड करने के लिए हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।